हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमएस वीडियो। और आज की इस वीडियो में आप जिस कार का रिव्यू देखने वाले हैं, डिटेल वीडियो होने वाला है, ये है किया की कैरेंस और ये 7 सीटर वाला वेरिएंट है। तो शुरू करते हैं डिटेलिंग। फ्रंट हेडलाइट की बात करें तो फ्रंट में आपको 3 एलईडी लाइट का सेटअप मिलेगा। ये हेडलाइट सेटअप होने वाला है। डीआरएल आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्रोम की लाइनिंग अच्छी लग रही है पियानो फिनिश के साथ। और यहाँ पे इसके ग्रिल पे भी आपको क्रोम का अच्छा खासा टेक्सचर देखने को मिलेगा और अच्छा खासा कंट्रास्ट भी क्रिएट कर रहा है। बोनेट के ऊपर किया का नया वाला लोगो देखने को मिल जाएगा। ऑटो फोल्डेबल मिरर है। रियर में आपको डिफॉगर मिल जाता है। और अगर अपन बूट स्पेस की बात करें तो अच्छा खासा बूट स्पेस भी यहाँ पे मिलेगा आपको। और यहाँ पे थोड़े बहुत टूल रखने के लिए स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे मुझे लगता है कि 3 सूटकेस आराम से रखे जा सकते हैं। रियर में किया की बड़ी सी बैजिंग, कैरेंस की बैजिंग्स और कनेक्टिंग टेल लाइट का फीचर मिल जाता है। व्हील्स की बात करें तो रियर में आपको 205x65 R16 के अलॉय व्हील मिलेंगे। इस वाले वेरिएंट में शार्क फिन एंटीना मिलेगा, क्रोम की लाइनिंग मिल जाती है डोर पे, 2 लेचेस क्रोम के मिलने वाले हैं। ड्राइवर वाला एंट्रेंस कुछ इस तरह का होने वाला है आपका। जैसे ही आप कैबिन में अंदर आते हैं तो आपको दिखता है बड़ा सा इसका डैशबोर्ड, जिसमें आपको पियानो ब्लैक कलर का टेक्सचर देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही प्रीमियम फील करवाता है। और जो इसका डैशबोर्ड वाला पार्ट है, ये भी प्लास्टिक है, लेकिन आपको विजुअली ऐसा फील होता है कि ये सॉफ्ट टच है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टिचिंग जैसे ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे। आपको बिल्कुल इस डैशबोर्ड में ही के बराबर से ही इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, जो कि 10 इंच का होने वाला है। यहाँ पे इसके कंट्रोल्स आप देख सकते हो, हजार लाइट का बटन इसके नीचे देख सकते हैं। और एसी वेंट इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसके आपको अलग से दिखता नहीं है और इसके डिजाइन के साथ मर्ज हो जाता है। तो ये भी कुछ यूनिक सा चीज है, जो कि आपने दूसरी किसी गाड़ी में नहीं देखा होगा। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, जो कि टच के साथ काम करता है। और मैंने अभी गलती से टच किया, जो कि बहुत ही स्मूथली और बहुत ही फास्ट टच काम कर रहा है। यहाँ पे आपको USB Type-C के चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं, साथ में 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है, अगर और भी पैसेंजर हैं जिनको अपने डिवाइसेस चार्ज करने हैं उनके लिए। और साथ में यहाँ पे गियर लीवर है, जो कि इस वाले वेरिएंट में आपको प्रीमियम मिलने वाला है। इसके ऊपर भी क्रोम का और ग्लॉसी टेक्सचर देखने को मिल जाएगा। इसका जो कंसोल है ये वाला, यहाँ पे थोड़ा बहुत क्रोम का और पियानो फिनिश ब्लैक कलर का भी टेक्सचर देखने को मिलेगा। ये वाला पार्ट थोड़ा बोरिंग है, यहाँ पे नॉर्मल फाइबर प्लास्टिक का यूज किया गया है। यहाँ पे 2 कप होल्डर मिल जाता है, जो कि वेंटिलेटेड है और आप इसे कूल या हॉट भी कर सकते हो। आर्मरेस्ट मिल जाता है, इसके ऊपर भी आपको एक ट्रे मिल जाती है, जिसपे आप छोटे मोटी चीजें जैसे की हो गया, पर्स हो गया, वॉलेट हो गया, ये रख सकते हैं। और इसके नीचे भी एक कंपार्टमेंट है जहाँ पे आप और भी सामान रख सकते हो। सीट की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है और इस वाले वेरिएंट में आपको वेंटिलेटेड सीट मिल जाती है ड्राइवर की और को ड्राइवर की। मुझे तो लेदर की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया लगी, छूने में ही बहुत ही प्रीमियम फील होता है। यहाँ पे आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, फुल्ली डिजिटल होने वाला है इस वाले वेरिएंट में। और स्टेयरिंग में भी आपको सॉफ्ट टच प्लास्टिक मिलने वाला है। और स्टेयरिंग के ऊपर आपको क्रूज कंट्रोल, इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स और साथ में आपके जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसके कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है, यहाँ पे हेडलाइट लेवलर मिल जाएगा और ट्रैक्शन कंट्रोल का भी यहाँ पे बटन मिल जाता है। इसमें आपको हील असिस्ट का भी फीचर मिलता है, तो वो भी मिल जाएगा। वेंटिलेटेड सीट का फीचर मिलता है, दोनों ही साइड की वेंटिलेशन के लिए अलग अलग बटन्स दिए गए हैं, तो आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो इन चीज़ों को। और ये फीचर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आपको 4 पावर विंडो मिलती है, साथ में चाइल्ड लॉक सिस्टम मिल जाता है। इसमें आपको ऑटो फोल्ड ORVM मिल जाता है और इसे आप इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक छोटा सा कंपार्टमेंट मिल जाता है, इसमें भी आप प्राइवेट चीज़ें रख सकते हैं। जो भी ड्राइव कर रहा होगा वो यहाँ पे अपनी प्राइवेट चीज़ें यहाँ पे रख सकता है। ग्लव कंपार्टमेंट की बात करें तो डिसेंट सा स्पेस मिल जाता है और यहाँ पे भी आपको एक कप होल्डर मिलेगा। ड्राइवर सीट आपकी एडजस्टेबल है, आप इसे आगे पीछे कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो। और इसके लंबर सपोर्ट मिल जाता है, ये आपको हाइड्रोलिकली एडजस्ट करना पड़ेगा, इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल सिस्टम नहीं मिलता है। डोर लेचेस आपको
सेटेन ग्रे कलर में मिलने वाला है, जो कि बहुत ही प्रीमियम फील करवा रहा है। इसमें आप स्टेयरिंग को ऊपर नीचे कर सकते हो, साथ में टेलीस्कोपिक भी मिल जाता है, तो ये अच्छा फीचर है। और जैसा कि इसमें लेफ्ट हैंड लीवर पे आपको इसके वाइपर्स के कंट्रोल, राइट हैंड पे आपके इसके इंडिकेटर और हेडलाइट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक रियर व्यू मिरर मिल जाता है यहाँ पे, जो कि किया कनेक्ट के फीचर के साथ आता है। यहाँ पे SOS का भी एक बटन मिल जाता है। यहाँ पे आपको गॉगल्स के लिए एक कंपार्टमेंट मिल जाएगा। कंपार्टमेंट लाइट आपको यहाँ पे LED में मिलने वाली, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और सनरूफ की बात करें, यहाँ पे सनरूफ भी मिल जाती है। सनरूफ डिसेंट है, छोटा सा है और ठीक है, ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती है और सेफ्टी के हिसाब से छोटा है, तो चलती गाड़ी में बच्चे जो है तो बाहर निकल के नहीं खड़े होंगे। और ये ऐसी जगह पे लगाया भी गया है, बनाया भी गया है सनरूफ, कि कोई जल्दी इजीली निकल नहीं पाएगा। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है यहाँ पे, और ड्राइवर और को ड्राइवर साइड पे जो आर्मरेस्ट है डोर पे, वो भी सॉफ्ट टच है। और यहाँ पे 3 बॉटल रखने के लिए अच्छा खासा स्पेस है, हालांकि आधा लीटर की ही बॉटल्स आएंगी यहाँ पे। और छोटे मोटे सिक्के, कॉइन, पर्ची स्लिप, बिल वगैरह यहाँ पे आप रख सकते हैं। अपन रियर सीट देख लेते हैं। रियर में आपको कुछ ऐसा एंट्रेंस मिलेगा, यहाँ पे आपको एयर प्यूरिफायर भी मिल जाता है, और एयर प्यूरिफायर को आप यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो, फिल्टर ऑन ऑफ कर सकते हो, पावर ऑफ कर सकते हो यहाँ से। और यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे मिल जाती है कुछ इस तरह से, और जिसपे आप बहुत से काम कर सकते हो, खाना खा सकते हो, बॉटल होल्डर भी मिल जाता है। इस वाले पे ये चीज़ नहीं मिलेगी, इस जगह पे आपको ये जो है तो एयर प्यूरिफायर दिया गया है, ये एयर प्यूरिफायर की वेंट है। रियर में आपको रूफ पे AC वेंट देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही प्रीमियम फील करवाता है। लेकिन जो एयर वेंट है, अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही तो आप सीधे अपने फेस पे एयर ब्लो कर सकते हो। और यहाँ पे जो कंपार्टमेंट की लाइट है वो भी LED मिलेगी। ब्लाइंडर्स आप देख ही सकते हैं लगे हुए हैं। यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट मिल जाता है, कप होल्डर मिल जाता है। यहाँ पे 3 पैसेंजर्स के बैठने के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस है। सीट की क्वालिटी ऐसी कि ऐसा लग रहा है कि ये वेंटिलेटेड है। यहाँ पे एम्बियंट लाइट दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छा लुक दे रही है डोर पे। और सामने की तरफ भी आपको एम्बियंट लाइट मिलेगी, अगर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लाइट है तो शायद समझ में ना आए, लेकिन एम्बियंट लाइट आपको इसमें भी मिल जाती है। सीट स्पेस काफ़ी अच्छा है, मैं कोई कंप्लेन कर ही नहीं सकता सीट को लेके। हेड स्पेस की बात करें, मेरी हाइट 6 फीट है और मुझे करीब 4 इंच का अच्छा खासा हेड स्पेस भी मिल रहा है। यहाँ पे हैंडल्स मिल जाते हैं दोनों ही साइड पे, तो ये भी चीज़ें हैं। यहाँ पे 2 बोतल होल्डर्स मिल जाते हैं, पावर विंडो मिल जाते हैं, बोस के स्पीकर मिल जाते हैं, और सॉफ्ट टच आर्मरेस्ट मिल जाता है डोर पे भी। और क्योंकि ये 7 सीटर वाला वेरियंट है, तो यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा स्पेस मिलता है। और साथ में USB टाइप पे का चार्जिंग पोर्ट, कप होल्डर दोनों ही साइड पे आपको मिल जाएंगे। और जो यहाँ पे बीच वाली सीट में बैठेगा, वो अपने AC को यहाँ से कंट्रोल कर सकता है, ऑन ऑफ कर सकता है। यहाँ भी आपको USB टाइप सी का चार्जर मिल जाता है। और यहाँ पे जो कंपार्टमेंट है, ये भी वेंटिलेटेड है, आप इसे भी ऑन ऑफ कर सकते हो यहाँ से। फुट स्पेस बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे बड़े भी आराम से बैठ सकते हैं। और यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी, यहाँ पे किसी तरह का बम्प नहीं है, हल्का सा है, माइनर सा है, बहुत ही माइनर सा बम्प है। ज़्यादातर कार में यहाँ पे जो बम्प होते हैं बहुत ही इरिटेटिंग होते हैं। सीट में लेदर की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, जो रूफ में फैब्रिक यूज़ किया गया है उसकी भी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। किया कारंस में आपको मिलेगा 1500cc का 4 सिलेंडर 4 वाल्व CDRI डीजल टर्बो इंजन, जो कि 114 BHP की पावर और 250 Nm का टॉर्क दे देता है। इसमें आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल गियर का ऑप्शन मिल जाता है, और इसमें 45 लीटर का फ्यूल टैंक और 210 लीटर का बूट और ट्रंक स्पेस मिल जाता है। पर क्योंकि कारंस MPV सेगमेंट की कार है, आप इसमें लास्ट रो की सीट को फोल्ड करके इसके अधिकतम स्पेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं। साथ में अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।